आज हमारे बीच बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा, बुद्ध विहार और जो आजकल कोर्ट में दावा चल रहा है उसके बारे में क्या कहा है। सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। देखिए, फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश का आज की डेट में जिसका एक नाम है जिला, अयोध्या जगह का नाम, और इसका जो पुराना नाम है साकेत। साकेत को साक खेत भी कह सकते हैं, साक क्षेत्र भी कह सकते हैं, और साक खेत और साक क्षेत्र का मतलब है एक ही बात है दोनों, क्योंकि पाली में खित बोलते हैं और हिंदी में या संस्कृत में क्षेत्र बोलते हैं। तो शाक्य क्षेत्र यानी साक का मतलब है शाक्य, आज की डेट में शाक्य या उस समय शाक्य क्षेत्र या शाक्य खेत, ये उसका नाम पड़ता है। भगवान के समय में ये आप ध्यान दीजिए इस बात को कि भगवान ने कभी पाली में, पूरी पाली साहित्य में कहीं कोई बौद्ध शब्द नहीं आया, ना ही कोई बौद्ध का इस्तेमाल किया। लोग उन्हें बुद्ध कहते थे और वो लोगों को धम्म सिखाते थे और धम्मिक बोला करते थे, और पूरे पाली साहित्य में कहीं भी बौद्ध से संबंधित कोई भी शब्द नहीं है, या तो बुद्ध से है या धम्म से है या संघ से है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस धम्मिक को बौद्ध बना के छोटा किसने किया। छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भगवान ने सिखाया है, जो बुद्ध ने सिखाया है, तथाकथन ने सिखाया है, वो यूनिवर्सल है, वो हर एक जीव पर लागू होता है, हर एक मनुष्य पर लागू होता है, हर एक महिला पर लागू होता है, और पूरी दुनिया में एक समान लागू होता है, क्योंकि वो सारा कारा जो सारा सारा उन्होंने बताया है दर्शन, वो सिस्टमेटिक है और जब तक मनुष्य रहेगा वो सत्य है। तो जो यूनिवर्सल है और जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको अगर आप एक धर्म के नाम से या बौद्ध के नाम से सीमित करके और जो गॉड वाले धर्म हैं या मत हैं उनके साथ अगर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसमें गॉड की कहीं कोई बात है नहीं, तो वो उनके समकक्ष आके उन जैसा हो जाता है और फिर वहाँ छोटे बड़े की तुलना होती है। तो पहली बात तो यह है कि बौद्ध का जो दर्शन है वो इन सब से अलग है, वो तुलनीय नहीं है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो अनकंपेरेबल है, उसकी कोई कंपैरिजन, कोई तुलना करता है तो ये पता लगाना पड़ेगा कि वो तुलना क्यों करता है और क्या इसका मत है, क्या कारण है। बौद्ध को बौद्ध धर्म बनाने की जिसने भी बात की है उसे आप खोजेंगे तो पता करेंगे कि उसकी जो मनोस्थिति और मनोभावना है वो अच्छी नहीं है बौद्ध धर्म के लिए या धर्म के लिए या धार्मिक क्षेत्र के लिए, पहली बात। दूसरी बात, भगवान के समय में भगवान ने जितने भी काम किए, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो खुले में, चौड़े में, पेड़ के नीचे, वो पूरे 45 साल तक पढ़ाते रहे वो खुले में विहार बना के, वो जब उनकी मृत्यु हुई प्राप्त हुई तब भी वो जंगल में थे, खुले में थे, उनके जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे वो PhD होल्डर हैं, चाहे वो डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट थे या हाई स्कूल पास थे या प्राइमरी स्कूल में थे, जो भी उनकी थेरा महाथेरा या समन, जो भी उनकी उस समय एजुकेशन का लेवल रहा, वो सब उनके साथ ओपन खुले नेचुरल वातावरण में रहते रहते थे। उस समय तक कहीं कोई वंदना या कहीं कोई स्तुति का कोई भी जिक्र कहीं नहीं मिलता, और ना ही भगवान ने कभी स्तुति अपनी कराई, ना ही वंदना कराई। क्योंकि लोहा नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मूर्ति बनने का सवाल होता ही नहीं कहीं, क्योंकि अक्षर भी नहीं थे, किताब भी नहीं थी, उस समय तक लिपि भी नहीं बनी थी। तो उस समय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान के समय में कहीं कोई मूर्ति नहीं है, तो मूर्ति पूजा की बात तो आती नहीं है, और भगवान ने कहीं किसी मूर्ति का कोई जिक्र भी नहीं किया है। तो आप ये देखिए कि मूर्ति भी जिन लोगों ने बनाई है, क्या वो लोग धम्मिक थे, क्या वो धम्म के प्रति गहरे थे। अगर आज हम इस मूर्ति को मान भी लें तो मूर्ति का सिर्फ इतना उपयोग है कि किसी छोटे बच्चे को, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे को, ये बताने के लिए कि बुद्ध के 32 जो गुण थे, 32 जो लक्षण थे, 32 जो प्रॉपर्टी एक मनुष्य में जो सबसे अच्छी मानी गई हैं, उसके अनुरूप ऐसा शख्स होता है, उनका किसी ने चेहरा देखा नहीं, उनको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ उनके लिखे हुए 32 उनके लक्षण हैं, गुण हैं, उन्हीं के आधार पर वो मूर्तियाँ बनी हैं, बैठी हैं, मुद्रा में हैं, विपसना में हैं, बस इतना है। बाकी जो समझदार व्यक्ति है, प्रौढ़ है, उम्र में ज़्यादा है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं या विद्वान हैं, उसे मूर्ति होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान ने साफ कहा है कि ईंट पत्थरों में धम्म नहीं होता। किसी जगह फिक्स करके अगर कोई बिल्डिंग बना दे या कोई अगर छत डाल दे या कोई अगर कोई
आराम गृह बना दे या विहार बना दे तो वहां धम्म वास नहीं करता, क्योंकि धम्म मनुष्य से चलता है और मनुष्य को सीखना चाहिए। किसी बिल्डिंग का या किसी भवन का सिर्फ इतना फायदा हो सकता है कि वो मनुष्य के रहने के लिए काम आए और उनको धूप से, सर्दी से, बारिश से बचाए, मगर उस समय के बाद भगवान की मृत्यु के 5 साल बाद 6 साल बाद या लगभग 3 साल बाद 2.5 साल बाद जो जगह 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 बिल्डिंगें बनी वो कोई भी पूजा स्थल नहीं बनी, वो या तो औषधालय बने जानवरों के या मनुष्य के अस्पताल बने या आराम गृह बने जहाँ आराम कर सकें या विश्राम गृह बने या प्याऊ बनी या यात्रियों के विश्राम गृह बने या स्कूल बने, विद्यालय बने, यूनिवर्सिटी बनी या किताबों को, पुस्तकों को रखने के सार्वजनिक क्षेत्र बने या सभागृह बने, इन्हीं को विहार बोलते थे। इनमें समय एजुकेशन का काम होता था, कहीं कोई वंदना स्तुति पूजा पाठ नहीं होती थी जो आज के समय प्रचलित करने की कोशिश की जा रही है। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि धार्मिक लोग जगह 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 विहार बनाएं और उन विहार पे झगड़े और कब्जा करें, क्योंकि अगर ईंट पत्थरों में आप यकीन करेंगे तो ईंट पत्थरों को और झगड़े के ईंट पत्थर होंगे तो वहाँ आपका धम्म रह नहीं सकता, प्राकृतिक कोई चीज़ रहेगी नहीं। तो कोई अधम्मिक आदमी होगा, कोई धम्म को नहीं जानता होगा, तो वो ईंट पत्थरों के लिए झगड़ेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि धम्म से संबंधित सारे शब्द मिलते हैं, जैसे धम्मिक है, धम्माचारी है, धम्मधर है, धम्मरक्षित है, धम्मचक्षु है, धम्मध्वज है, धम्मदेशना, धम्मचक्र, धम्मगुरु, धम्मवर, धम्मवादी, धम्मपद, मगर कहीं भी ऐसे शब्द नहीं मिलते जैसे बौद्धिक है, बौद्धाचारी है, बौद्धधर है, बौद्धरक्षित है, बौद्धचक्षु है, बौद्धध्वज है, बौद्धदेशना है, बौद्धचक है, बौद्धगुरु, बौद्धवर, बौद्ध, ये बहुत बाद के शब्द हैं जो बौद्ध से संबंधित है, जिनको आम प्रचलन में आज है। धम्म को भूल गए, बौद्ध को याद रखा, संप्रदाय बना दिया, संप्रदाय बनाने से धम्म की हमेशा हानि होती है, नुकसान होता है। नाम लेने के लिए ठीक है क्योंकि आप एक दूसरे को संबोधित कैसे करेंगे उसके हिसाब से ठीक है, मगर जड़ को जान लीजिए कि बौद्ध शब्द किसने बनाया है, कैसे बनाया है, और धम्म पे रहिए, बौद्ध को जानिए, बुद्ध को जानिए, मगर धम्म पे आरूढ़ रहिए तो धम्म को लाभ ज़्यादा होगा और आपको भी ज़्यादा लाभ होगा, दुनिया को ज़्यादा लाभ होगा, ये एक बात है। दूसरी बात, जो लोग कोर्ट में दावा कर रहे हैं या जिस भी आदमी ने, जिस भी व्यक्ति ने दावा किया है कोर्ट में कि जो फैजाबाद, अयोध्या, साकेत, साक क्षेत्र या साक क्षेत्र या साक्य क्षेत्र में जो एक जगह है वो जगह बुद्ध विहार के नाम से है और उसका बाबरी बुद्ध विहार के नाम वो ऐसा बताते हैं, वहाँ अवशेष हो सकते हैं। पूरी दुनिया में बर्मा से लेके ईरान तक, क्योंकि अशोक ने 84,000 स्तूप, चैत्य, शिलालेख और शिलालेख या स्तंभ बनवाए थे और वो पत्थर के हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकते, तो उनके टुकड़े या उन पर जो अंकित जो चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं। उसके बाद में बहुत सारी शैलियों में बुद्ध की स्टैचू बनी, मूर्तियाँ बनी, वो भी हैं, तो ये अवशेष पूरे भारत में मिलते रहते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। वहाँ का जो क्षेत्र है खास तौर से वो झगड़े का क्षेत्र है और कोर्ट में केस है और पूरे भारत में वो एक गर्म मुद्दा है। हमें वहाँ अपना दावा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर वो झगड़े की जगह है और सारे साक्ष्य भी अगर हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसमें फैसला हमारे हक में देती है और भारत सरकार भी अगर हमको ये कहती है कि आप इसको ले जाइए, थाली में रख के वो हमको देती है, तो अभी उस ज़मीन से, जो भी ज़मीन वो है या जो चीज़ वो है, उससे कहीं बुद्ध का, धम्म का या बौद्धों का कोई भला नहीं होने वाला। बौद्ध धम्म या धम्मिक लोग हैं, इससे ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया में धम्मिक लोग हैं, वो बड़े बड़े विशाल स्थल उन्होंने बनाए हुए हैं, 10-20 बीघा अगर ज़मीन या 10-20 हज़ार स्क्वायर मीटर या 1,000 स्क्वायर फुट अगर कोई ज़मीन हमें मिल भी जाती है बींग बुद्धिस्ट होने के नाते या धम्म देश होने के नाते पूरे भारत के लोगों को, तो उससे कल्याण ही होने वाला, क्योंकि वहाँ झगड़ा है और झगड़े में भगवान ने साफ कहा है कि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ मन शांत नहीं हो सकता और जहाँ मन शांत नहीं होगा वहाँ धम्म वास नहीं कर सकता, वहाँ अधम रहता है। तो वहाँ जाके कोई करेगा क्या? वो झगड़े की ज़मीन है, 4 लोगों का उसमें रुझान खराब रहेगा, 4 लोगों के मन उसमें खराब रहेंगे और वहाँ जाके आप कहें फ़ख्र से कि ये ज़मीन हमारी है, ये हमने जीती है, तो वो जीत भी आपकी हार होगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं सारी दुनिया के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी धम्मिक लोग हैं, जितने भी धम्म को जानने वाले हैं और जो धम्म को प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, मैं सुधीर राज सिंह अपील करता हूं कि हम इस दावे को वापस लेते हैं, हमें वो झगड़े की ज़मीन नहीं चाहिए। बुद्ध जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, धम्मिक लोग होते हैं, वो कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं, खास तौर से ईंट पत्थर और ज़मीन के लिए कभी नहीं करते हैं।
अशोक के समय में अशोक ने पूरी भारत को बौद्ध में किया, मगर झगड़ा नहीं किया उन्होंने, कभी कोई झगड़ा नहीं किया। बाद के भी जो भिक्षु हैं, आज भी जो भिक्षु हैं आप देखेंगे, वो कभी झगड़ा नहीं करते। वो किसी को ये भी नहीं कहते कि आप आइए ये धम्म सीखिए, या आप बुद्धिस्ट बन जाइए, या आप बौद्ध बन जाइए, क्योंकि संप्रदाय नहीं है। इसलिए कोई भी जो भिक्षु है या भंते है, वो कभी किसी से अपील नहीं करता कि आप, क्योंकि हमारा संप्रदाय नहीं है। प्रैक्टिस है, आपको अगर सुखी रहना है, आपको कोई दुख है सुखी रहना, तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको सुख मिल जाएगा। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। और कुछ लोग जो नासमझ होते हैं, किसी के बहकावे में आके, या ये सोच के कि मामला बड़ा गर्म है, हॉट है, मुझे ख्याति मिल जाएगी या प्रख्याति मिल जाएगी, या इस क्षेत्र में मेरा नाम हो जाएगा, या ऐसा करके कुछ हो सकता है कि उसका कहीं प्रायोजन हो, ऐसा कुछ मन में हो, या कोई विषम प्रायोजन हो, या कुछ उतावलापन हो, या कुछ वो अज्ञानी हैं, या कुछ अंधेरे में हैं, या धम्म को नहीं जानने वाला है। कोई आदमी अगर वहाँ याचिका लगा देता है कोर्ट के अंदर के इसमें बौद्धों का दावा बनता है, तो वो अकेला है। किसी भी जो बुद्ध के या बुद्धिस्ट लोग या धम्म के जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई प्रस्ताव पूरी दुनिया में कहीं पास नहीं किया, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा ज़मीनों में ईंट पत्थरों में विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है प्यार में, हमारा विश्वास है 130 करोड़ लोगों के भले में, हमारा विश्वास है देश के भले में। देश की सारी ज़मीन हमारी है, पूरा देश हमारा है, तो ये अपने आप हमारी हो जाती है। इसको लड़के झगड़ के 10-20 मीटर की ज़मीन को लेके हम अपने देश की दावेदारी को, अपने देश से किसी भी झगड़े को नहीं कर सकते, क्योंकि देश बड़ा होता है, ये ज़मीन और ये टुकड़े छोटे छोटे होते हैं। यही बौद्धों की फिलॉसफी है, यही धम्मिक लोग होते हैं, यही भगवान बुद्ध ने बताया है, और यही हमारे लिए आदेश है कि हमें मानवता के लिए, शांति के लिए आगे आना है। हम अपना दावा बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरे होशो हवास में इसे वापस लेते हैं, और निवेदन करते हैं भारत सरकार से, और निवेदन करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस दावे को खारिज किया जाए। ये दावा किसी व्यक्ति विशेष का है, पूरे भारत के और पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का दावा नहीं है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत। जय विश्व।